हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 प्रैक्टिस शीट 7 का सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के ऊपर। तो यहाँ पे हमारे पास हमारा क्वेश्चन है, देखो हमें कैलकुलेट करनी है अनसर्टेनिटी इन द पोजिशन, मतलब डेल्टा एक्स कैलकुलेट करने हैं। हमें गिवन है यहाँ पे अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, यानी कि डेल्टा वी गिवन है 5.7 इंटू 10 रेज टू पावर 5। तो ये हमारे पास हमारी वैल्यू हमें गिवन है। हाइजेनबर्ग का फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू एच बाई 4 पाई एन। ये हमें कैलकुलेट करना है, ये नीचे डिवाइड में चला जाएगा, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच बाई 4 पाई एम डेल्टा वी। सारी वैल्यूज में पुट कर रहा हूं, देखो 6.626 इंटू 10 रेज टू पावर -34, ये आ जाएगा 4 × 3.14 इंटू मास। मास की वैल्यू हमारे पास इलेक्ट्रॉन के लिए 9.1 इंटू 10 रेस टू पावर -31, और डेल्टा वी की वैल्यू हमें गिवन थी 5.7 इंटू 10 रेस टू पावर 5। तो देखो ये दोनों पावर ऐड हो जाएंगी, 10 रेस टू पावर -26, ऊपर जाके माइनस, तो मेरे पास बचेगा 10 रेस टू पावर -8। यहाँ पे आएगा 6.626 डिवाइडेड बाय 4 × 3.14 इंटू 9.1 इंटू 5.7। तो ये हमारे पास हमारे डेल्टा एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो ये वाला जो फैक्टर है, इस फैक्टर को मैं पहले मल्टीप्लाई करूंगा फिर डिवाइड करूंगा, तो मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे मेरे पास डेल्टा एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1.01 इंटू 10 रेज टू पावर -10 मीटर। मतलब मैंने यहां पे जीरो भी एडजस्ट कर लिया है, डेसिमल भी एडजस्ट कर लिया है, तो ये हमारे पास हमारा आंसर जो है वो कंप्लीट आ जाएगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।